Bismillahirrahmanirrahim. Assalam O Alaikum viewers. Umeed hai ki aap sab khairiyat se honge. Ye video kafi aapke liye important hogi aur kafi interesting hogi. Jin students ne public sector medical colleges ke liye apply karna hai, unko hum log batayenge ki unka fees structure kya hota hai medical colleges ka. Ab aapko humne last jo video mein aapko private sector ke jitne bhi medical colleges hai unka fees structure bataya tha. Is video mein hum log public sector ke jitne bhi medical colleges hai jaise ki UHS jo is Punjab mein aata hai, KMU jo के में आता है, बुलान मेडिकल कॉलेज जो कि बलूचिस्तान में आता है, इसी तरह लम्स जो कि सिंध में आता है। अब आपको बताया कि वन बाय वन अगर लाहौर के सिर्फ यूएचएस के फीस स्ट्रक्चर के हवाले से बताया तो आपको बताते चले कि इनके पहले साल की फीस जो है वो 18,000 रुपए होती है और फिर फर्दर जो नेक्स्ट ईयर्स जो होती है वो 15,000 रुपए होती है। इसी तरह बीडीएस की भी तकरीबन सेम होती है और डीबीटी की भी आप लोग ये जो फीस स्ट्रक्चर है वो देख सकते हैं। अब इनकी जो वेबसाइट के ऊपर और जो इनका प्रोस्पेक्टस के ऊपर जो ये फीस लिखी हुई है वो भी आप लोग देख सकते हैं कि एडमिशन चार्जेस जो है इनके वो निग्लिजिबल 200 रुपए होते हैं। ट्यूशन फी इनकी आप लोग देख सकते हैं कि 15,000 रुपए है और मिसलेनियस चार्जेस ये आप लोग 2,830 है, तो पहले साल की 18,000 रुपए बन जाती है और बाकी सालों की जो है वो 15,000 ही रहती है। तो मतलब ये काफी ये निग्लिजिबल होती है। सिर्फ सरगोधा मेडिकल कॉलेज और नवाज शरीफ मेडिकल कॉलेज जो गुजरात में है उनकी जो फीस होती है वो थोड़ी सी ज्यादा होती है क्योंकि ये सेमी गवर्नमेंट होते हैं। तो इसलिए आपको देख सकते हैं कि फर्स्ट ईयर की जो नवाज शरीफ मेडिकल कॉलेज है उसकी 67,578 रुपीज़ है और जो सरगोधा मेडिकल कॉलेज है उसकी 84,770 रुपीज़ है। इसी तरह सेकेंड ईयर जो है नवाज शरीफ मेडिकल कॉलेज का आप लोग देख सकते हैं कि 63,696 रुपीज़ है और ये बाकी तमाम ईयर्स में भी तकरीबन सेम रह रहा है। और अगर सरगोधा मेडिकल कॉलेज की अगर सेकेंड ईयर की बात करें तो वो 73,620 रुपीज़ है और ये तकरीबन बाकी भी ईयर्स ये तकरीबन इतना ही 73,000 ही रह रहे हैं। हॉस्टल चार्जेस की बताएं तो हॉस्टल चार्जेस इनके जो के गवर्नमेंट के जो हॉस्टल जो गवर्नमेंट के मेडिकल कॉलेज के साथ जो मुंसलिक जो हॉस्टल होते हैं उनकी फीस बहुत कम होती है। अगर स्टूडेंट चाहे तो प्राइवेट जो हॉस्टल है वो भी अफोर्ड कर सकते हैं तो वो भी ले सकते हैं, लेकिन अगर गवर्नमेंट के अगर मेडिकल हॉस्टल की बात बताएं तो आपको बताते चले कि इनकी जो निग्लिजिबल फीस है 100 रुपए है पर महीने और इसके अलावा यूटिलिटी चार्ज जो आपको एक साल में बस एक दफा देने होते हैं वो 30,000 रुपए तक है। बाकी इनकी जो फीस है वो आप लोग देख सकते हैं कि सिर्फ और सिर्फ सरगोधा मेडिकल कॉलेज और यूनिवर्सिटी और अपने जो नवाज शरीफ मेडिकल कॉलेज जो यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात के साथ मुंसलिक है उनकी जो फीस है वो फर्क होती है और इनके जो हॉस्टल फी है वो भी फर्क होती है। तो इसलिए जो है बाकी आप लोग देख सकते हैं कितने कम चार्जेस है और सब्सक्रिप्शन टू कॉमन रूम वो 500 है वो पूरे साल में एक दफा और सिक्योरिटी डिपोजिट होता है वो भी बहुत थोड़ा सा ही होता है चंद हजार या 2-3 हजार रुपए। तो मतलब कि ये जो हॉस्टल फी होती है गवर्नमेंट के मेडिकल कॉलेजेस की वो भी कम होती है और आप लोग जो है इनके चार्जेस है आप लोग ओवरऑल इनके स्टडीज भी काफी सस्ती होती है। इसकी वजह यह है कि प्राइवेट और गवर्नमेंट में आपको देखते हैं कि बहुत बड़ा फर्क होता है। प्राइवेट जो है वो 15-15 लाख रुपए ले रहे हैं जबकि ये गवर्नमेंट जो है वो सिर्फ 18,000-15,000 ये जो होती है कि स्टूडेंट्स को गवर्नमेंट जो है वो फैसिलिटेट करती है और ये गवर्नमेंट जो है सब्सिडाइज करती है ताकि जो है ये मुल्क में जो डॉक्टर्स बने और फिर मुल्क में जो है वो सर्व करें। तो इसलिए ये जो गवर्नमेंट के जितने मेडिकल कॉलेजेस होती है वो काफी उनकी फीस कम रखी जाती है ताकि ज्यादा से ज्यादा डॉक्टर्स बने और वो जो है मुल्क की खिदमत करें। अब आपको बताते चले कि इनकी जो केपीके की अगर आप लोग जो केएमयू जो मेडिकल यूनिवर्सिटी है उनकी अगर फीस स्ट्रक्चर के हवाले से बताएं तो उनकी 2-3 कैटेगरियां हैं। नॉर्मल फी जो कि ओपन मेरिट बैकवर्ड एरिया फाटा की सीट्स और डिसेबल्ड और माइनॉरिटीज की सीट्स के ऊपर होती है। तो उनकी अगर फीस स्ट्रक्चर के हवाले से बताएं तो उनकी तकरीबन जो पहले साल की 29,000 और ये जो है ये तकरीबन फिक्स रहती है और अगर आप 29-30 हजार आप लोग देख सकते हैं कि उनकी जो है केएमयू की जो फीस है वो इतनी रहती है। जो कैटेगरी 2 होती है उसकी जो है आप लोग देख सकते हैं कि 1,30,000 से ज्यादा इनकी फीस है एक पहले साल की
और इसी तरह जो कैटेगरी बी होती है वो सेल्फ फाइनेंस की होती है और उनकी फीस जो है वो 4 लाख तक की होती है। लेकिन स्टिल अगर प्राइवेट के लिहाज से आप कंपेयर करें तो प्राइवेट में कहां 15-15 लाख और 16-16 लाख रुपए ले रहे, तो केएमयू जो है अगर आप लोग सेल्फ फाइनेंस के ऊपर भी जाते हैं, ऑल्दो इनका मेरिट थोड़ा सा कम होता है ओपन मेरिट के मुकाबले में, लेकिन इनका भी काफी हाई होता है। लेकिन अगर आप लोग देख सकते हैं कि 4 लाख भी जो है पूरे साल की वो प्राइवेट के लिहाज से काफी कम है। इसके अलावा ये कंसेशन भी प्रोवाइड करते हैं जो स्टूडेंट्स हो या जो चिल्ड्रंस हो, मेडिकल टीचर्स या एम्प्लॉयज जो कि पब्लिक सेक्टर मेडिकल या डेंटल कॉलेज में काम कर रहे हैं उनको जो है ये 50% रिलीफ भी दिया जाता है सेल्फ फाइनेंस के ऊपर। तो फॉर एग्जांपल वो अगर 4 लाख की फीस है तो 2 लाख रुपए आपको पे करनी होती है। इसी तरह जो फॉरेन जो सेल्फ फाइनेंस की सीट्स होती है वो भी थोड़ी सी होती है, लेकिन मतलब कि इसके ऊपर भी आप लोग देख सकते हैं कि अगर ये भी आप लोग MBBS करना चाह रहे हो तो आपको फिक्स $6,000 आपको जमा कराने होते हैं, तो उस लिहाज से आप लोग देख सकते हैं कि ये काफी ज्यादा अमाउंट बन जाती है। अब अगर आपको बताते चले कि DBT के हवाले से, तो DBT इनका तकरीबन पहले एक सेमेस्टर वाइज होता है, 8 सेमेस्टर होते हैं, तो पहले सेमेस्टर की 38,000 लेते हैं। बाकी ये वही जो आपको बताते चले जो कैटेगरी 2 की जो फीस स्ट्रक्चर है वो यहाँ पे फर्स्ट ईयर की प्रोवाइडेड है, आपको तकरीबन 1,30,000 ज्यादा में 1,33,000 तक होती है। और जो नॉर्मल फीस है जो कि ओपन मेरिट की सीट्स है और बाकी इन जो के मेरिट के ऊपर आए होते हैं उनकी जो है आप लोग देख सकते हैं कि 29,000 रुपए फीस होती है। पर देन इनकी अगर हम लोग वेबसाइट और जो इनकी जो के प्रोस्पेक्टस के अंदर फीस लिखी हुई है अगर उसके हवाले से आपको बताएं तो आप लोग देख सकते हैं ये जो है जो इनका ऑफिशियल प्रोस्पेक्टस आता है उसमें ये जो है ये तमाम डिटेल्स लिखी हुई है। आप लोग जाके इनकी जब इनका प्रोस्पेक्टस आएगा मतलब ये लास्ट ईयर का है, इस साल भी एक्सपेक्टेड है इसी के मुताबिक होगा, तो वो आप लोग जाके इनके प्रोस्पेक्टस जब आप लोग खरीदते हैं तो आपको जो है वो ये साथ उनमें तकरीबन तमाम मेडिकल कॉलेजेस की जो है वो फीस स्ट्रक्चर प्रोवाइडेड होती है और हॉस्टल फीस भी प्रोवाइडेड होती है। फर्दर नेक्स्ट में आता है बुलान मेडिकल कॉलेज जो कि कोयटा के अंदर है। अब इनकी जो फीस स्ट्रक्चर है वो आप लोग देख सकते हैं कि काफी कम होती है, ये तमाम मतलब कि इनकी जो पहले साल की जो फीस होती है वो 30,000 होती है, बाकी जो एकेडमिक ईयर्स है उनकी 5,000 रुपए होती है। तो आप लोग देख सकते हैं कि इनकी जो ओवरऑल फीस स्ट्रक्चर होता है बुलान मेडिकल कॉलेज का वो काफी ज्यादा कम है। वो आप लोग देख सकते हैं कि अब ये कोयटा के अंदर है और ये सिर्फ और सिर्फ बलोचिस्तान के स्टूडेंट्स के लिए होता है। इनकी जो है कुछ रेसिप्रोकल सीट्स भी होती है जो कि पंजाब केपी के और मुख्तलिफ सूबों के लिए होती है, उनके हवाले से भी रेसिप्रोकल सीट्स के हवाले से भी हम लोग अलग से वीडियो बनाएंगे। लेकिन आपको बताते चले कि सिर्फ और सिर्फ मेजोरिटी अगर 330 अगर सीट्स निकलती है MBBS की तो 300 सीट जो है वो बलोचिस्तान के कोटे वाइज होती है और वो बलोचिस्तान के अंदर भी जो डिस्ट्रिक्ट वाइज जो है उनकी डिफरेंट सीट्स होती है। अब आपको बताते चले कि एडमिशन फी आप लोग देख सकते हैं कि जो पहले साल इनकी 10,000 रुपए है, एकेडमिक फी 5,000 रुपए और ये वेलफेयर फंड जो है वो मिला के और PMC रजिस्ट्रेशन फी अगर वो मिला के आप लोग देख सकते हैं 30,000 पहले साल की बनती है और अगले सालों की आप लोग देख सकते हैं कि सिर्फ 5,000 रुपए ये लेते हैं। तो आप लोग जो है अगर कंबाइन आप लोग इसकी अगर 5 सालों की फीस भी निकाल लें तो वो 50-60,000 रुपए में आपकी पूरी की पूरी MBBS की डिग्री हो जाती है। तो इसलिए जो है ये आप लोग देख सकते हैं कि ये बुलान मेडिकल कॉलेज जो है इनकी फीस स्ट्रक्चर बहुत कम है। इसकी वजह मेन ये है कि बलूचिस्तान जो है उसमें स्टूडेंट जो होते हैं वो काफी ज्यादा बैकवर्ड एरिया से होते हैं और वो अफोर्ड नहीं कर सकते, इस वजह से गवर्नमेंट उनको और ज्यादा सब्सिडाइज करती है। इसलिए आप लोग देख सकते हैं कि इनकी जो फीस स्ट्रक्चर है वो बाकी तमाम पब्लिक सेक्टर मेडिकल कॉलेज से कम है। अब नेक्स्ट में आ जाते हैं सिंध के पब्लिक मेडिकल कॉलेजेस, मेडिकल और डेंटल कॉलेजेस, इनकी अगर फीस स्ट्रक्चर के हवाले से बताएं तो पहले साल इनकी तकरीबन 50,600 रुपए होती है और BDS की भी इतनी 50,600 रुपए होते हैं और बाकी ईयर्स की जो है वो आप लोग देख सकते हैं कि 32,000 तक होती है। अब इसकी जो आप लोग देख सकते हैं कि ये यहाँ पे प्रोस्पेक्टिस में इनकी ये फीस स्ट्रक्चर भी लिखा हुआ है, इसमें आप लोग देख सकते हैं एडमिशन फी जो फर्स्ट ईयर अगर आपकी जो ज्यादा फीस है 50,000 से ज्यादा है उसकी वजह यह है कि आपके 18,700 जो है वो एडमिशन चार्जेस होते हैं। ट्यूशन फी जो होती है वो नॉर्मली सब्सिक्वेंट ईयर्स की वो 32,000 तक ही रहती है, 31,900 मतलब कि आप 32,000 कर ले। इसके अलावा जो रिजर्व सीट फॉर इंटीरियर सेंड और बलूचिस्तान है तकरीबन तमाम की जो फीस स्ट्रक्चर है वो यहाँ पे प्रोवाइडेड है। लेकिन जो सेल्फ फाइनेंस के कोटे के ऊपर आते हैं उनकी आप लोग देख सकते हैं कि 4,40,000 से ज्यादा की फीस होती है क्योंकि आपको जो है वो गवर्नमेंट का टैक्स भी अदा करना होता है और इसके अलावा
फर्दर अगर आप लोग देख सकते हैं कि डिसेबल कैंडिडेट जो हैं उनकी भी जो एक ही सीट होती है और बाकी अगर इनके फीस स्ट्रक्चर के हवाले से बताएं तो वो सेम है 32,000 31,900 ही है। तो इस तरह मतलब के बाकी आप लोग देख सकते हैं कि एडमिशन फीस सेम है। ओपन मेरिट की आप लोग देख सकते हैं कि ये मुख्तलिफ जो है मतलब के सीट्स यहाँ पे प्रोवाइडेड है, ये तमाम सिंध की प्रोवाइडेड ये सीट्स नहीं है, ये सिर्फ एक मेडिकल कॉलेज जो कि सिंध का है वो पब्लिक मेडिकल कॉलेज उसके हवाले से बता रहे हो और बाकी भी तकरीबन इतना ही रहता है। तो आप लोगों को ये अंदाजा हो जाएगा कि ये सिंध के मेडिकल कॉलेजेस की जो फीस स्ट्रक्चर है वो क्या है। तो इसमें आप लोग देख सकते हैं कि ये तकरीबन 32,000 तक जो है वो पूरे साल की फीस लेते हैं। फर्दर उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपके लिए काफी नॉलेजफुल होगी और आप लोगों को ये काफी हेल्पफुल साबित होगी। फर्दर अपडेट्स के लिए आप लोग जो है हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दे और ताकि आपको मजीद भी अपडेट्स इस तरह की मिलती रहे, ताकि आप लोगों की प्रिपरेशन और उसके साथ साथ आपको जो है और भी एडमिशन के हवाले से अपडेट्स मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना रखिएगा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।